अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। मैं वाइस चेयरमैन मुकर्रर हुआ तो सन 1990 में और 92 या 93 तक वाइस चेयरमैन था। पहले कोरंगी एसोसिएशन जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसके बारे में मुझे बताएं कि पहले जब आप थे और आज के वक्त में कितना फ़र्क है सर? 1990 में इस शहर की आबादी क्या थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी और 2024 में इस शहर की आबादी क्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इस तनासुब से आप फ़र्क समझ सकते हैं। तो अभी जो इंडस्ट्री काम कर रही है, जिस तरीके से मामला बड़े इंडस्ट्रीज़ के, कोरंगी की मैं बात कर लेता हूँ कि कोरंगी में रोड, रस्ते, ये वो तमाम, के पहले भी यही हालत थी या इस वक्त भी यही सेम पोजीशन है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कराची, सिर्फ एक कराची ने 1 ट्रिलियन टैक्स दिया है, जबकि पूरे मुल्क का टैक्स कराची के टैक्स के बराबर नहीं है। तो गवर्नमेंट के साथ आपका कितना कनेक्शन है? दूध वालों की डिमांड 290 रुपये फी लीटर थी और जब कमिश्नर कराची ने मुझसे पूछा दौरान मीटिंग, तो मैंने कहा सर मैं तो किसी सूरत जो है वो कंसेंट नहीं करूंगा। बिज़नेसमैन परेशान है कि हमारा पैसा भी यहाँ महफूज है कि नहीं है। SIFC के बाद आपके जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी का इजहार किया है। ता छाता समझो तो कराची जो है न वक्त छा फ्यूचर आप? छो असा नेगेटिव सोचूं, छो पेसिमिस्टिकली सोचूं। अगर मां कंस्ट्रक्शन जी फील्ड में तो वना त छा हने जो किरदार आहे इंपोर्ट जो? जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो देखे तां जी आहे पाकिस्तान जी, दैट विल क्रॉस द $20 बिलियन मार्क।